यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने दिखाया माफिया मुख्तार अंसारी पर प्यार। व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा शेरे पूर्वांचल मुख्तार, जिसे देख कांस्टेबल फयाज पर हुआ एक्शन का वार। किसी में उससे आमने सामने की लड़ने की शक्ति नहीं थी, उन्होंने शेर को पिंजरे में डालकर धोखे से मार डाला। अलविदा पूर्वांचल शेरे मुख्तार अंसारी। ये सब किसने लिखा? ये सब लिखा यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने। एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जिस यूपी पुलिस को अपराधियों और माफियाओं के लिए काल माना जाता है, उसी यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात फयाज नाम के कांस्टेबल ने हार्ट अटैक से मरने वाले मुख्तार अंसारी के लिए प्यार लुटाया। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस के इस कांस्टेबल ने मुख्तार अंसारी के लिए लिखा, उसे पढ़कर और सुनकर देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी के लिए स्टेटस लगाने की वजह से यूपी पुलिस के इस कांस्टेबल को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के एक्शन का सामना करना पड़ा। जो एक्शन योगी पुलिस ने अपने इस कांस्टेबल के लिए लिया, वो सभी के लिए नजीर बन गया। बताएंगे आपको पूरी खबर के कौन है कांस्टेबल जिसने माफिया मुख्तार अंसारी पर प्यार लुटाया, और उसने मुख्तार अंसारी के लिए क्या लिखा, और कैसे योगी के एक्शन से वो तार तार हो गया, और कैसे वो लाचार हो गया, और कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस का ये एक्शन नजीर बन गया। जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस एक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल आपको बता दें, लखनऊ के बक्सी का तालाब थाने में तैनात सिपाही मोहम्मद फयाज ने माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। स्टेटस में उसने माफिया मुख्तार अंसारी को अलविदा शेरे पूर्वांचल मुख्तार अंसारी लिखा। व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ और शेयर किया गया। कुछ लोगों ने एक्स पर स्टेटस को पोस्ट कर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और यूपी पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, मोहम्मद फयाज जो यूपी पुलिस का सिपाही है, लखनऊ के बक्सी का तालाब पर पोस्टेड है, साफ साफ यूपी पुलिस पर आरोप लगा रहा है। पुलिस वाला कम ये मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य ज्यादा लग रहा है, तत्काल संज्ञान लेकर यूपी पुलिस और डीजीपी कार्रवाई करें। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया एक्स पर आने लगी। एक्स की पोस्ट पर संज्ञान लेकर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अभिजीत आर शंकर ने इंस्पेक्टर बीकेटी राणा राजेश सिंह से इस विषय में जानकारी मांगी। इंस्पेक्टर ने पुलिस उपायुक्त को स्टेटस का स्क्रीनशॉट और जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए पुलिस की ओर से सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिपाही फयाज के निलंबन के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि वो कांस्टेबल ने पुलिस सेवा नियमावली में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन किया है, अनुशासनात्मक मानदंडों के साथ असंगत व्यवहार का प्रदर्शन किया है। पुलिस उपायुक्त ने आगे कहा कि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने पर हम निलंबन के साथ आगे बढ़ेंगे, आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे। घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि बीकेटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने हमें व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में सूचित किया है, जिससे हमारी जांच तेज हो गई है। कांस्टेबल फयाज ने कथित तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो लिखा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसने मुख्तार अंसारी के लिए शब्द ही कुछ ऐसे इस्तेमाल किए थे। उनके सहयोगियों ने खुलासा किया कि उन्हें मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में संदेह था। जानकारी के मुताबिक खान ने कुछ सहयोगियों से उनके व्हाट्सएप स्टेटस के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया। कथित स्क्रीनशॉट में लिखा था, अंसारी लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे, उनकी मृत्यु पर दुख न करो, किसी में भी उससे आमने सामने लड़ने की शक्ति नहीं थी, उन्होंने शेर को पिंजरे में डालकर धोखे से मार डाला, अलविदा पूर्वांचल शेरे मुख्तार अंसारी। अब आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।